नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जांजगीर जिले में मुलमुला थाना अंतर्गत नरियारा शराब दुकान में सुरक्षा कर्मी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम आशीष सिंह है, जो ग्राम भैंसों का निवासी है। बताया जा रहा है कि शराब दुकान बंद होने के बाद आरोपी मौके पर पहुंचा था और सुरक्षा कर्मी से शराब की मांग की। मांग पूरा नहीं करने के साथ ही गाली गलौज करने के कारण आशीष को गुस्सा आ गया और उसने चाकू और रॉड से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। CCTV कैमरे के माध्यम से मिले साक्षियों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ये प्रकरण थाना मुलमुला के अंतर्गत प्रकरण है। दिनांक 22-23 की मध्यरात्रि में नरियरा शराब दुकान में गार्ड महेश्वर सक्सेना पिता रामाधर सक्सेना के निर्देशन की हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में तत्काल मामले की गंभीरता देखते हुए टीम गठित की गई थी। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस प्रकरण में आशीष सिंह पिता भरत सिंह 24 वर्ष भैंसों थाना पामगढ़ के अंतर्गत को इस प्रकरण के घटना कारित करने के कारण इसको गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में इनके द्वारा शराब मांग करने पर नहीं देने के कारण से इन दोनों के मध्यरात्रि गार्ड और इनके बीच में काफ़ी विवाद हुआ और ये चूँकि ये पूर्व में भी पामगढ़ में इसमें आपराधिक प्रकरण है और ये शराब की प्रवृत्ति है। आशीष सिंह के द्वारा मृतक महेश्वर सक्सेना पर प्राणघातक हमला किया, जिस पर उसकी मौके पर हत्या हो गई। उसके बाद वो फरार हो गया था। प्रकरण में आरोपी से सघन पूछताछ किया गया। पूछताछ में वो अपना जुर्म कबूला और इसमें माननीय न्यायालय रिमांड में उसको भेजा गया। जांजगीर KSN 24 के लिए राम नगार्चिक रिपोर्ट।